तो किसान भाइयों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देने का मेरा कोई मूड नहीं था आप लोगों के लिए। आज बस अपने गांव में आया हूं, बहुत टाइम बाद मौका मिलता है गांव में आने का। तो गांव में आज अपने खेत में गेहूं की बिजाई चालू है। गेहूं की बिजाई से पहले कुछ जो एप्लीकेशंस, जो क्रियाएं हम खेत में करते हैं, जैसे कि खेत को बाही करना है, जोत लगाना है, तो वो आज काम चल रहा है। और एक डेढ़ घंटे बाद इसमें गेहूं के बीज लगाए जाएंगे। तो ऐसे ही थोड़ा मन किया कि देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा वैरायटी का गेहूं आज लगाया जा रहा है और क्या क्या एप्लीकेशंस हम आज कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये बगुले, मैं इन पे मेरा ध्यान गया, बगुलों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है खेत में। देखो किस तरीके से ट्रैक्टर की आवाज़ के साथ साथ बगुले बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे मिट्टी को पलटा जा रहा है, कल्टीवेटर के थ्रू मिट्टी को खोदा जा रहा है, उसमें से जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, छोटे मेंढक हैं, वो जरा सी हरकत करते हैं और बगुलों का निवाला बन जाते हैं। तो देखिए किस मुस्तैदी से वो एक एक करके अपना भोजन तलाश रहे हैं खेत में। है ना मजेदार। लोग यूं ही नहीं कहते कि गांव की लाइफ बड़ी अच्छी है, गांव की लाइफ बड़ी सुंदर है, साफ शुद्ध हवा है, साफ सुथरा पानी है। तो बस ये है कि देखो यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है और बहुत अच्छे से आप सांस ले पाते हैं। आप खुले एरिए में हैं, कोई कंक्रीट का जंगल नहीं है, कोई पहाड़, कोई रास्तों का जंजाल नहीं है, बिल्कुल खेत है, खुली सड़क है, पूरी प्रकृति का पूरा मजा है। मीठी मीठी हवा चल रही है, खेत में बैठ के कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है, ये आप सभी किसान भाई बखूबी जानते हैं। कभी भी जिन भाइयों के पास खेतों का सुख नहीं है, या जो किसान भाई हैं हमारे और किसान के बेटे हैं पर जॉब के चक्कर में घरों से बाहर चले गए हैं और अब खेतों पे आना जाना कम हो गया है, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खेतों में आइए और जुड़े रहिए अपनी जड़ों से। आशा करता हूँ आपको भी आनंद आया होगा मेरे साथ साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।